नमस्कार, मैं प्रशांत श्रीवास्तव, एक बॉलीवुड एक्टर और इस देश का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि वो स्वयं आ रहे हैं जनता के बीच और जनता को जो प्रिकॉशंस है ये वायरस से बचने के लिए और सेफ्टी है उन्हें खुद आके वो गाइड कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी लाइक अमेजिंग थिंग कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी जनता को लेके इतने चिंतित हैं एंड आई ऑल्सो सपोर्ट हिम। और मैं एक्चुअली उनका प्रशंसक काफ़ी टाइम से भी, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सेकेंड थिंग, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो पुलिस प्रशासन है, दे आर लाइक वेरी हार्ड वर्किंग गाइज। मैं बताना चाहूँगा कि जब नॉर्मल टाइम भी होता है तो हमारे पुलिस वाले 24 घंटे हमारे लिए काम करते हैं, तो अभी इस महामारी के समय भी जो अपना योगदान दे रहे हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम फ्रॉम माय कोर ऑफ हार्ट। एंड हमारे डॉक्टर्स जो अमेजिंग काम कर रहे हैं, जिनके पास पहले से भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जो डिफरेंट पेशेंट्स हैं, और अभी जो उनको इस कोरोना वायरस के महामारी का जो बर्डन उनके सर पे आया है, तो वो उसको भी भली भांति हैंडल कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमारी आम जनता जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप कुछ ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ कर रही है, जस्ट यू हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। उन्होंने बोला है आप क्राउडेड प्लेस में नहीं जाइए, तो मत जाइए। ऐसे भी नॉर्मली हम कहाँ जाते हैं, काफ़ी दिनों पे हमारी प्लानिंग होती है, हम परिवार के साथ प्लान करते हैं, देन फिर मंथली या फिर वीकेंड में हम कहीं जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जब हमारी जान पे बात आई है तो डेफिनेटली वी कैन स्टॉप इट। तो दिस इज़ द नॉर्मल थिंग। सेकेंड थिंग, हमें बोला जा रहा है कि हम मास्क पहने, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल टास्क, आप मास्क ले सकते हैं। फिर आप साफ़ सुथरा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम नॉर्मल लाइफ में भी हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। द फोर्थ थिंग कि सैनिटाइज़र यूज़ करें। बस हाँ, मैं ये आपसे अनुरोध भी करूँगा कि कुछ लोग हैं जो अभी इस महामारी के समय भी अपने कुछ खुद के बेनिफिट के लिए कुछ सैनिटाइज़र का क्वालिटी आप चेक करें, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने की संभावना है, और उसको प्रॉपर और फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करिए, तो ये कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है हमारे लिए। सेकंड थिंग, मैं आपको बताना चाहूँगा अफवाह एंड सेफ्टी, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। अफवाहें मैंने देखा है कि मैं अभी लाइक एक शूट के लिए दिल्ली से बॉम्बे तक का मैंने सफ़र तय किया, इस दौरान मैंने देखा कुछ लोग अपने सेफ्टी को प्रॉपर से यूज़ कर रहे थे, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलिए लोग इतना जागरूक हैं। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे कि जो अफवाह फैला रहे, अरे यार वो महाराष्ट्र में 50 हो गया, यार वो दिल्ली में ऐसे हो गया, अरे नहीं यार उतना नहीं है यार, तुझे नहीं पता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि निगेटिविटी मत फैलाएं, आप शेयर करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसके बारे में डिस्कस ना करें, आप करें, लेकिन आप जागरूकता फैलाएं कि हाउ यू कैन टेक प्रिकॉशन, हाउ यू कैन सेव योर लाइफ फ्रॉम कोरोना वायरस, उसके सेफ्टी क्या क्या है, इस बारे में डिस्कस करें, व्हाट्सएप के थ्रू बताएं, फ़ोन के थ्रू बताएं, अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल बताएं। ये हमारे लिए दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस कि हम लोग इतने जागरूक हैं, जो हम एक दूसरे दोस्तों को जागरूक कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर अस। बाकी मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि लोगों में इतनी अफवाह फैल गई है कि मतलब लाइक उसके घर में कोई परिवार है, अगर उसने खासा तो फिर उसको सब लोग सर की निगाह से देख रहे हैं। ऐसा ना करें और इसको ज़्यादा अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि वायरस से तो कुछ जाने गई हैं, लेकिन इससे घबराने की वजह से और घबराहट से कुछ ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है।
आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि पेशेंस रखें, अपनी इकोनॉमी के तरफ भी ध्यान दें, कोरोना वायरस से भी सेफ्टी रखें जितना ज़्यादा हो सके। घर पे भी अगर आप बैठे हैं तो कुछ काम करें, अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रखें, हाँ, ताकि आपका थोड़ा ध्यान भी इन चीज़ों से डाइवर्ट हो। बस दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। सरकार पूरी सहायता कर रही है, हर तरीके का ज्ञान आपको प्रोवाइड कर रही है आपके मोबाइल पे, हर जगह का, हर एरिया के डॉक्टर्स का नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, वो सब हमारे व्हाट्सएप पे मिल रहा है। दैट इज़ वेरी गुड कि गवर्नमेंट हमारे लिए इतना सोच रही है। तो उसी की तरह हमें भी गवर्नमेंट को पूरा सहयोग देना चाहिए, उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी उनके गाइडेंस है हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसको अफवाह नहीं बनाना चाहिए। तो प्लीज़ इसको अफवाह ना बनाएं, और मुझे पूरा आशा है कि बहुत ही जल्द इन सब परेशानियों से हम बाहर निकल आएंगे, क्योंकि हर चीज़ का, हर समस्या का समाधान होता है। तो जब तक इसका ऑफिशियल समाधान आपको नहीं मिलता है, तब तक आप जो प्रिकॉशंस है उसको कम्प्लीटली फॉलो करें। और लास्ट टाइम आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन हमारी पुलिस प्रशासन को, हमारे डॉक्टर्स को, और हमारी जो आम जनता है जो हमें सपोर्ट कर रही है, इस महामारी में भी काम कर रही है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन सभी को मेरे तरफ से सैल्यूट है। थैंक यू सो मच।